सो हे गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका पेटीएम वॉलेट में जो बैलेंस पड़ा है उसे किस तरीके से आप अपने जो बैंक का अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र करोगे तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले गाइस आपको करना क्या है प्ले स्टोर में आना है यहाँ पे सर्च करना है पे और इसको एक बार से अपडेट कर लेना है उसके बाद में इसको ओपन कर लेना है जैसे ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का एंटरफेस आएगा उसके बाद में गाइस आपको करना क्या है ऊपर करना है और यहाँ पे माई पेटीएम लिखा रहा है इस ऑप्शन पे आपको आ जाना है उसके बाद में यहाँ पे बैलेंस एंड हिस्ट्री दिखाई दे रही है इस पर आपको क्लिक करना है बैलेंस एंड हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद में गाइस आपके सामने आपके जो पेटीएम वॉलेट में जो बैलेंस पड़ा है वो शो हो जाएगा गाइस अब इसको हमें बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है उसके लिए हम इस पर एक बार टाइप करेंगे उसके बाद में कुछ इस तरीके का आपके सामने आ जाएगा यहाँ पे टी बैलेंस और पे वॉलेट दोनों एक ही है गाइस तो इसको आप बैंक में भेजेंगे तो इस पर भेजने के लिए यहाँ पे इस पेटीएम वॉलेट पे आपको दो बार टच करना है वो भी लगातार तो मैं दो बार टच करता हूँ लगातार उसके बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा उसके बाद में यहाँ पर रिक्वेस्ट स्टेटमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पर सेंड मनी टू बैंक तो हमें करना है सेंड मनी वो भी बैंक में तो हमें करना है सेंड मनी टू बैंक यानी कि दूसरे वाले नंबर पर इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद में गाइस यहाँ पे जो भी आप अमाउंट भेजोगे अपने बैंक अकाउंट में उसका जीरो परसेंट चार्ज यहाँ से पे लेने वाला है यानी कि आप पे में कोई भी चार्जेस नहीं है गाइस तो यहाँ पे मैं अमाउंट सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं अमाउंट पंद्रह रुपये है वह सिलेक्ट करता हूँ और प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा जो पंद्रह रुपये है वो बैंक में नहीं जाएंगे तो यहाँ पे क्यों नहीं जाएंगे गाइस यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से मैक्सिमम जो यहाँ पे बैलेंस है वो बीस रुपये होना चाहिए आपके पेटीएम वॉलेट में यानी कि बीस रुपये से ले आप पच्चीस हज़ार रुपये तक अपने जो बैंक में है वो भेज सकते हो तो मैं यहाँ पे बीस रुपये चूज़ करता हूँ गाइस यहाँ पे आप उन्नीस रुपये भी नहीं भेज सकते हो यहाँ पे मैक्सिमम बीस रुपये यहाँ पे आपके पास होना चाहिए तो मैं बीस पे क्लिक करता हूँ उसके बाद में आपको करना कुछ नहीं है प्रोसीड पर क्लिक कर देना है तो ये प्रोसीड पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपने पहले से ही यहाँ पे बैंक में भेजे थे तो वहाँ पे जो अकाउंट है वो शो हो जाएगा यहाँ पे मैंने दो अकाउंट में पहले से ही भेजे थे पैसे तो यहाँ पे शो हो रहा है अगर आपने नहीं भेजे हैं तो यहाँ पे ऊपर ऐड नाव पे क्लिक करके आप यहाँ पे बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे लाइक कुछ भी यहाँ पे बैंक का अकाउंट नंबर डाल दीजिए उसके बाद में बैंक का आई एफ सी कोड फिलअप करना है उसके बाद में यहाँ पे अकाउंट का जो भी होल्डर नाम है वो यहाँ पे नाम डाल दीजिए उसके बाद में प्रोसीड कर देना है तो आप यहाँ पे अकाउंट ऐड हो जाएगा उसके बाद में यहाँ पे मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक अकाउंट में भेजना चाहता हूँ जो मैंने पहले भेजे थे तो यहाँ पे मैं जो जो अकाउंट है वो इसमें मैं भेजना चाहता हूँ उसके बाद में यहाँ पे कुछ इस तरीके का कर, यहाँ पे चार्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा ये बोल रहा है अमाउंट जो सेंड कर रहे हैं वो बीस रुपये है और जो चार्ज है गाइस जो पहले चार्ज लगता था अब वो ज़ीरो परसेंट कर दिया है और यहाँ पे टोटल पे बिल जो हमारा है बीस रुपये है तो मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ और ये मेरा जो बैंक अकाउंट है उसमें चला जाएगा देख सकते हो मनी सेंड टू बैंक सक्सेसफुल्ली यहाँ पर ट्वेंटी हमारा यहाँ पर सेंड हो चुका है वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लेना और आइकन को प्रेस जरूर कर लेना